नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। में पूजा खबर रीवा से है, जहां लगातार रीवा और सतना जिले में हार्डवेयर दुकानों से लोहे के सरिया की चोरी करने वाले एक बड़े गिरोह को जिले की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई में पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, अतिरिक्त अधीक्षक विवेक कुमार लाल, अनुविभागीय अधिकारी नवीन दुबे के मार्गदर्शन में अपने अधीनस्थ थाने की पुलिस टीम के साथ रीवा जिले में बड़ी चोरियों के वारदातों को अंजाम दे रहे एक बड़े गैंग को गिरफ्त में लिया है, जिसके बाद पुलिस ने रीवा जिले के विभिन्न थानों के कुल 18 अपराधों का खुलासा किया है। चोर टोलियां बनाकर लोहे का सरिया रात में चोरी करते और फुटकर बिक्री करते थे। इनसे जो रुपए मिलते उनसे उन्होंने मोटरसाइकिल और पिकअप खरीदी। घटना में आरोपियों के द्वारा प्रयुक्त लोडिंग वाहनों को भी जब्त कर लिया गया है। साथ ही खुलासे किए गए अपराधों में लाखों रुपए के सरिये एवं वाहनों की बरामदगी की गई है। आरोपियों से सरिया खरीदने वालों को भी तलाश किया जा रहा है। इसके साथ ही फरार आरोपियों की भी खोजबीन जारी है। खुलासा किए गए अपराध में थाना रायपुर करचुलियांद में 4, गढ़ थाना क्षेत्र में 2, विश्वविद्यालय थाने से 2, मऊगंज थाना पनवार, अतरेला थाना सतना के ताला थाने से, वहीं रामपुर बघेलान आदि थानों में अपराध किया जाना बताया गया है। आरोपियों के पास से करीब 95 क्विंटल लोहे का सरिया, जिसकी कीमत करीब 6 लाख रुपए है, साथ ही 3 लोडिंग वाहन समेत एक पल्सर बाइक भी जब्त की गई है। आरोपियों में देवेंद्र सिंह पिता रामबख्श सिंह पटेल जमुना थाना रामपुर बघेलान सतना, अमर पटेल पिता रामराज पटेल निवासी हरजन बस्ती ढेकहा रीवा, जय सिंह उर्फ रज्जू पिता रविराज सिंह हरजन बस्ती ढेकहा रीवा, अरुण द्विवेदी पिता अवधेश द्विवेदी निवासी भिटवा थाना चौराहटा रीवा, अमन साकेत उर्फ कल्लू पिता अशोक साकेत ढेकहा सिविल लाइन रीवा, अरुण सौंदिया पिता राजेंद्र सौंदिया निवासी ढेकहा सिविल लाइन रीवा शामिल है। आज हमारी टीम ने एक ऐसे चोरों के गिरोह को पकड़ा है जो सरिया चोरी करने की घटनाएं लगातार कारित कर रहे थे। पिछले लगभग 1.5-2 वर्ष से लगातार जो घटनाएं प्रेस नहीं हुई थी उनमें से काफ़ी घटनाएं भी प्रेस हुई हैं। कुछ 6 आरोपी पकड़े गए हैं। इनका मोडस ऑपरेंडी या चोरी करने का तरीका इस प्रकार का है कि जब ये लोग इकट्ठे होते थे रात को तो नशा करते थे किसी न किसी प्रकार का। उसके बाद ये गैंग भ्रमण करके देखता था कि किस घर या दुकान के बाहर सरिया उपन में रखा हुआ है। इन लोगों ने एक वाहन शुरू में अपने पुराने जो भी इन्होंने चोरी की घटनाएं की थी उससे पैसे जोड़ कर लिया था। उसके पश्चात इन्होंने इस चोरी की सामग्री को बेचकर और अपना वाहन भी खरीदा, लोडिंग गाड़ी खरीदी, मोटरसाइकिल खरीदी। ये सब गाड़ियां पुलिस ने जब्त की हैं। 95 क्विंटल सरिया अभी तक हम लोग जब्त कर चुके हैं। कुल टोटल 6 लोग इस गैंग में अभी तक की जानकारी में हैं। एक इनका साथी और है जो अभी फरार है, इसके लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये लोग मूलतः सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनका एक साथी रामपुर बघेलान सतना का भी है। इनकी घटनाएं रीवा जिले के अलावा सतना में भी प्रकाश में आई हैं और अभी हम अन्य जिलों को भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं इनके बारे में, इनका डाटाबेस शेयर कर रहे हैं, जिससे कि वहाँ भी कोई घटना है तो हम लोग उसको ट्रेस करने में सहयोग कर सकें। तो इस प्रकार एक काफ़ी अच्छा अचीवमेंट है, जो घरों के बाहर दुकान के बाहर सरिया बड़ी मात्रा में ले जाना और लगभग 6-7 लाख के रुपए के बीच का सरिया और 1-5 लाख का वाहन, ऐसा करते करते हम लोगों ने लगभग 12-15 लाख की रिकवरी इसमें की। सर, ये मैं तो कहाँ के रहने वाले, ये सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनमें से कुछ लड़के एक रामपुर बघेलान सतना का भी है और एक और जो भी फरार चल रहा है व्यक्ति, उसका भी एड्रेस हमको क्लियर नहीं है, संभवतः गढ़ थाना क्षेत्र का, उसकी जानकारी मिल रही है। चोरी का चोरी का माल ये लोगों को ये बेचते थे, जिन लोगों को बेचा है उनको इस भाषा में जानकारी नहीं थी। जिन लोगों को उन्होंने बेचा है उनको ये बता के कि दुकान बंद होने वाली थी और उसमें ये माल अब वो जल्दी में बेचना चाहते हैं सस्ते में, तो इसलिए हम लोग लेकर आए हैं। तो हम लोगों ने उन लोगों से बात की, उन तक पहुँचे, तो उनको पूरा विश्वास दिलाया इन लोगों ने कि ये माल क्योंकि जल्दी दुकान बंद करना चाहते हैं इसलिए ली है। उनमें से एक आरोपी ने कुछ